मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपूर्ण जिले में अघोषित बिजली कटौती कर रही है। बिजली प्रदान करने वाली कंपनी अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से नहीं दे पा रही है, जिसका खामियाजा हर शख्स भुगत रहा है। परंतु विवशता यह है कि इसके खिलाफ कोई विरोध जताने के लिए सामने नहीं आता। यहां तक कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों और नेताओं तक ने इस बात का विरोध तक नहीं किया। तो वहीं कटनी जिले में युवा कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव किया, जोरदार नारेबाजी कर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र के साथ लालटेन तक सौंप दिया। फिलहाल जूनियर इंजीनियर ने आश्वासन दिया कि उपरोक्त समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करा दिया जाएगा। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कटनी जिले में विद्युत की जो अघोषित कटौती हो रही है, उससे पूरी जनता हलाकान है। आज उसको लेकर युवक कांग्रेस के साथियों ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर आज विद्युत मंडल में एक ज्ञापन सौंपा है कि 24 घंटे जनता को बिजली का वादा करके, सस्ती बिजली का वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हुई। कटनी के चारों विधायकों को दिल खोल के जनता ने वोट दिया, पर अब उनके घर में इन्वर्टर, जनरेटर और जमाने भर की सुविधाएं होंगी, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है कि जनता कितनी परेशान है और वह कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उनको जगाने के लिए विरोध स्वरूप आज हमने 5 लालटेन दी हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर विद्युत मंडल अपनी नींद से नहीं जागता, सरकार अपनी नींद से नहीं जागती, तो हम विद्युत मंडल का महाघेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनहित में हम लगातार, कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रहेगी। आज जो ज्ञापन हमें सौंपा गया है वो बिजली कटौती की समस्या को लेकर था और बहुत से क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जले, उन समस्याओं को लेकर था। अघोषित बिजली कटौती से बहुत परेशान उपभोक्ता है, जो हमें ज्ञापन दिया है उसका ज्ञापन मैं अपने अधिकारियों को ज्ञापन की जानकारी दूंगी और बहुत जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो, इसका आश्वासन हमने दिया है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निराकरण सबका।